साउथ ईस्ट एशिया के दिल में एक ऐसा शहर है जिसे देखकर सच में विश्वास करना मुश्किल है। 20 लेन वाली सड़कों पर कोई नहीं और बड़ी बड़ी मंदिरों में भी कोई दिखाई नहीं देता। ये लंदन शहर से 4 गुना और न्यूयॉर्क से 6 गुना बड़ा है, लेकिन लगता है जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता। 2 साल पहले हमने इस शहर के बारे में एक वीडियो में बताया था जिसे 4.6 करोड़ लोगों ने देखा है और सभी लोग हैरान हो गए थे ये दुनिया की सबसे अजीब राजधानी के बारे में सुनकर। अब हमने डिसाइड किया है कि इस नैपियिडाव शहर को और बेहतर तरह से जाने। हमें उम्मीद है कि आप तैयार हैं एक क्रेजी वीडियो के लिए, क्योंकि जितना आप इस शहर के बारे में जानेंगे उतनी ही कहानी और भी स्ट्रेंज होती जाएगी। नैपियिडाव म्यांमार की कैपिटल सिटी है। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक जंगलों से भरा देश है जिसमें 5 करोड़ लोग रहते हैं। वो वीडियो जिसमें हमने इस शहर के बारे में बताया था वो इतना पॉपुलर हुआ कि ऑलमोस्ट म्यांमार के करंट पॉपुलेशन के बराबर लोगों ने देखा। शायद आप इस देश को किसी और नाम से जानते होंगे, खासकर अगर आप 1989 से पहले के टाइम में थे। उस वक्त म्यांमार को बुर्मा कहते थे और ये काफी विवादित था। नाम को म्यांमार बदलने का फैसला एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने लिया था जो 1960s में पावर में आई थी। कई लोगों को लगता है कि इस सरकार को देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस देश को म्यांमार कहा है तो हम भी वही नाम उसे करेंगे। अब चलिए बात करते हैं नैपियिडाव के बारे में, दुनिया की सबसे अजीब राजधानी। यहाँ एक सैटेलाइट इमेज है इस शहर की जिसका टोटल एरिया लगभग 7000 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे हमने पहले कहा था ये लंदन या न्यूयॉर्क से कई गुना बड़ा है। इसके जैसा ही एक बड़ा शहर लेकिन थोड़ा छोटा शंघाई भी है, लेकिन नैपियिडाव और शंघाई के बीच में एक बड़ा अंतर है। शंघाई की जनसंख्या 2.6 करोड़ है जबकि नैपियिडाव में 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं। इस वजह से ये जगह एक बहुत बड़े भूत बैंगल जैसी लगती है, कुछ ऐसा जैसे किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म में दिखाया जाता है। सड़कों में 20 लेन्स तो है लेकिन गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं है। बस कभी कभी एक ट्रक जाते हुए दिखता होगा, लेकिन आमतौर पर पूरी सड़क खाली होती है। पार्क्स और गार्डन्स भी वैसे ही है, मॉल्स भी, गोल्फ कोर्स भी और साथ में जू भी। शहर का सबसे फेमस लैंडमार्क उपतशांति पगोडा है, लेकिन ये भी सुनसान है। यहाँ एक एयरपोर्ट है जिसमें कई लाखों लोगों के लिए जगह है, लेकिन बिजी डेज में भी ज्यादा से ज्यादा कुछ सौ लोग होते हैं। यहाँ पे कई बेड लक्जरी होटल्स भी है, लेकिन फिर भी स्विमिंग पूल में कोई नहीं होता और मोस्टली रूम्स भी कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। एक्चुअल में आपको यहाँ सिर्फ गार्डनर्स और स्ट्रीट क्लीनर्स हाई दिखाई देंगे। यही है नैपियिडाव और पोस्ट एपोकैलिप्टिक शहर के बीच का बड़ा डिफरेंस। राजधानी को इमैक्युलेट स्टैंडर्ड्स पर मेंटेन करने के लिए एक वर्कर्स की आर्मी काम करती है। दुकानों में भी लोग काम करते हैं। 2015 में टू गार्डियन जर्नलिस्ट्स ने शहर को देखा था और एक ज्वेलरी शॉप के बारे में बताया था। वहाँ कई लोग काम कर रहे थे लेकिन कोई कस्टमर नहीं था और बिल्कुल भी शोर नहीं था। पॉपुलेशन 2015 से थोड़ा बढ़ गई है। पहले नैपियिडाव कम से कम 400,000 लॉगोन के साथ एक भूत बांग्ला जैसा था। ये सोचने में भी क्रीपी लगता है। ये राजधानी और भी अजीब होती जा रही है। एक और भी ऐसी जगह है जहां आपको कुछ लोगों के दिखने के चांसेस है। शहर में म्यांमार का पार्लियामेंट भी है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें बेड और एक जैसे दिखने वेल बिल्डिंग्स है जो फेंसेस और मोट्स से घिरा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के पास जाना मुश्किल है। यहाँ हर जगह आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जब आसपास कोई और होता ही नहीं है तो आखिर ये लोग किसको रोकना चाहते हैं, ये समझना मुश्किल है। ये सुनने में आया है कि इन हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स को एक नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है जो शहर के नीचे फैली हुई टनल्स से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये टनल्स नॉर्थ कोरियन टेक्नीशियंस की मदद से डिजाइन किए गए हैं। ये अफवाहें लगभग साबित करना मुश्किल है, लेकिन नैपियिडाव इतना अजीब है इसको देखते हुए ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। साथ हाई इस मिनिस्ट्री जोन के अलावा शहर में एक मिलिट्री जोन, एक होटल जोन, एक रेजिडेंशियल जोन और कई और भी है। रेजिडेंशियल जोन में बिल्डिंग्स के छतों का रंग अलग होता है जिसे लोगों के काम के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। नीलाई रंग के छत वर्कर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए है और हेयर रंग के छत वर्कर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है। लेकिन बड़ी आशा है कि बहुत से घर खाली है। ये सिटी जोन्स बेड गड़बड़ से भरे हुए और इनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी लॉजिकल स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं है। ऐसा लगता है कि शहर के अलग अलग पार्ट्स को बिना किसी सोच विचार के एक साथ कनेक्ट किया गया है। नैपियिडाव सिटी में सिटी सेंटर को ढूंढना नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक रैंडम मेज में घूम रहे हो। रोड्स का सेटअप भी कुछ हेल्प नहीं करता, वो अजीब तरह से बनाए गए हैं और इनमें नेविगेशन करना बहुत मुश्किल है। देखिए इस मिनिस्ट्री जोन के अंदर का ये 20 लेन हाईवे जो रैंडमली एक मच स्मॉलर रोड से जुड़ता है। अगर यहाँ सच में 20 लेन्स का ट्रैफिक होता तो ये इमीडिएटली ग्रिडलॉक में फंस जाता। इसकी प्लानिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। यहाँ राउंडअबाउट्स भी है, इतने बड़े और अजीब के उन्हें देखने में आपका दिमाग घूम जाएगा। आपने दुनिया भर में किसी और जगह ऐसे राउंडअबाउट्स नहीं देखे होंगे। फिर भी खुदा का शुक्र है कि ये रोड्स असली में कार्स से भरी नहीं होती, नहीं तो ये राउंडअबाउट्स जरूर ग्रेडलॉक्ड हो जाते। ये एक वाला तो बहुत अजीब है जो एक 16 लेन हाईवे के बीच से निकल रहा है, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि एक और रोड बनाएंगे जो राउंडअबाउट को बाईपास करेगा, फिर वो हाईवे को 90 डिग्री एंगल पार इंटरसेक्ट करेगा। मैं नहीं जानता आपके क्या लगता है, लेकिन मेरे लिए 16 लेन हाईवे पार 90 डिग्री टर्न बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। और अगर आपको और भी वेस्ट में जाना है तो ये है एक और मैसिव 16 लेन हाईवे जो माइल्स तक एक ऑलमोस्ट परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में चलती है। हवा से देखा तो ऐसा लग रहा है कि ये एक एयरप्लेन रनवे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सीधा एक मिलिट्री बेस और मिलिट्री जोन के बीच में स्थित है। कुछ रोड्स हैं यहाँ जो ड्राइव करने के लिए बहुत खतरनाक है। एक हाईवे है जो नैपिडाव से दक्षिण की तरफ जाती है, जिसे वाइडली डेथ हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये रोड 2010 में ओपन हुई थी और तब से इसमें फेटल कोलिजन की प्रॉब्लम है। डेथ हाईवे के किनारे एक फेमस साइन है जो अनजाने में इंग्लिश में लिखा गया है, ड्राइवर्स के लिए एक वार्निंग या फिर एक डार्क जोक। कुछ ड्राइवर्स के लिए ये साइन उनकी आखिरी चीज होती है जो उन्हें टकराने से पहले दिखती है। नैपिडाव में और भी अजीब चीजें हैं, जैसे कि उप्पतासंती पगोडा जो दिखने में तो इंप्रेशन बनाता है लेकिन असली में एक रिप्लिका है जो पुराने कैपिटल यांगन में एक बिल्डिंग की कॉपी है। पगोडा एक बुलिस्ट मॉन्यूमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन जब ISC ऑफिशियली ओपन किया गया तो कोई भिक्षुओं को इसके पास भी नहीं जाने दिया गया, सिर्फ पॉलिटिशियंस और मिलिट्री लीडर्स को हाई अलाउ किया जाता है। म्यांमार के कैपिटल में जहाँ देखो कुछ ना कुछ ऐसा है जो सेंस नहीं बनाता है, और इस सब से हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि नैपिडाव आखिर क्यों ही बना गया। सालों पहले इसको वही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने बनाया था जिन्होंने बुर्मा के नाम को म्यांमार में बदला था। जब हम कंट्रोवर्शियल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत जेनरस है कि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब 1960s में पावर में आई थी तब बहुत वायलेंट थी और लोगों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। ये रेजीम ने एक मिलिट्री कूप के जरिए पावर सीज किया था। तब कुछ स्टूडेंट्स ने यांगन यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी किया था, जिसका जवाब इस रेजीम ने एक बटालिया फौज भेज कर दिया। डेथ काउंट तो पता नहीं, लेकिन कई सौ विद्यार्थियों को गोली मार दी गई और 1990 तक इलेक्शंस भी रिफ्यूज कर दिए गए। उस वक्त भी इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं था जब मिलिट्री ने सिर्फ 10 सीट्स जीती थी आउट ऑफ अ पॉसिबल 492। उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर लिया। ये वही रेजीम है जिसे हम यहाँ डील कर रहे हैं, एक कठोर और वायलेंट डिक्टेटरशिप। और यही लोग हैं जिन्होंने नैपिडाव के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी नहीं पता, ये कंस्ट्रक्शन एक मिलिट्री सीक्रेट था, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से ये शायद 2002 में शुरू हुआ था। शहर को 3 साल बाद अनवेल किया गया, साथ हाई नैपिडाव नाम भी दिया गया जो रफली ट्रांसलेट होता है एज होम ऑफ किंग्स। क्लियरली इन मिलिट्री लीडर्स को अपने आप पर भरोसा था। इन टोटल इस शहर की कंस्ट्रक्शन में $4 बिलियन का खर्चा आया है। हो सकता है आपको इस साइज के शहर के लिए ये कम लग रहा हो, लेकिन वो काफी था एक देश के लिए जिसका GDP उस समय सिर्फ $10 बिलियन था। क्या इस पैसे को और बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता था? म्यांमार के कुछ हिस्से गरीब है जहां एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, तो हाँ इस पैसे को खर्च करने के लिए कई बेहतर तरीके मौजूद थे, लेकिन मिलिट्री रेजीम को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। ISC और भी बुरा बनाता है कि ये शहर अब एक अजीब भूत बांग्ला जैसा है। ये सिर्फ पैसे का ही खर्च नहीं था, बल्कि इतने ज्यादा पैसों का बहुत बेकार खर्च था। कम से कम ऐसे हाई इमेजेस देखते वक्त ऐसा लगता है। लेकिन आखिर सरकार को तो एक भूत बांग्ला जैसा मेगा सिटी हाई चाहिए था। तो अब ये कहानी और भी अजीब होने वाली है। नैपिडाव से पहले म्यांमार का कैपिटल एक शहर था जो यांगन के नाम से जाना जाता था। ये अर्बन सिटी में 7 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे और ओरिजिनली ये नेशनल कैपिटल था जब म्यांमार ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था 1852 में। 150 साल बाद म्यांमार के डिक्टेटरशिप ने डिसाइड किया कि यांगन अब उनके मकसद के लिए फिट नहीं है। ऑफिशियल रीजन तो सिंपल था, यांगन ओवरक्राउडेड हो गया था और इसका पॉपुलेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ा चुका था। रेजीम एक नए शहर में दोबारा शुरू करना चाहता था जिसमें ज्यादा जगह हो और बेहतर अर्बन प्लानिंग हो। लेकिन क्या ये ऑफिशियल रीजन हाई असली रीजन था? कई लोग ऐसा नहीं मानते। असली सच कहते हैं बहुत अजीब है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रेजीम को यांगन के बढ़ते ह्यू पॉपुलेशन से नर्वसनेस हो रही थी। अगर शहर में बड़ा स्केल का रिवोल्ट हो गया तो सरकार को पता था कि इतने सारे सिविलियंस के खिलाफ एक साथ डिफेंड करना मुश्किल होगा। यांगन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट केवल एक नहीं था और पता नहीं कब कौन सा प्रोटेस्ट एक बड़ा रूप ले ले। कहते हैं कि रेजीम को बे ऑफ बंगाल की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवल अटैक का भी डर सता रहा था। ये अटैक अनलाइकली था, लेकिन बिल्कुल भी आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं था। US गवर्नमेंट को ये रेजीम बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी वो देश बुर्मा ही कह रहे थे, म्यांमार के नए नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले भी साउथ ईस्ट एशिया में इंटरवीन किया था, सबसे ज्यादा वियतनाम में। इसलिए मिलिट्री रेजिम ने डिसाइड किया कि कैपिटल सिटी को एक शांति भरी इनलैंड रीजन में शिफ्ट करेंगे, जहां वो पॉपुलर प्रोटेस्ट्स के लिए कम वल्नरेबल होगा और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अटैक करना मुश्किल होगा। उन्होंने अपने शहर को डू माउंटेन चेन्स, बागो योमा और शान योमा के बीच में पोजीशन किया, जो नेचुरल डिफेंसिव बैरियर्स बन गए। शहर के अंदर में उन्होंने एक हेविली गार्डेड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें फेंसेस, सोल्जर्स, कोई ना कोई रिवर या मोट और शायद अनसीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स को भी शामिल किया गया, और शायद बाकी शहर को इंटेंशनली खाली छोड़ा गया था ताकि कोई भी बहाना हो। इसे रेजीम को अपनी पोजीशन को थ्रेट करने वे पॉपुलर अपराइजिंग्स के कम चांस होते हैं, चाहे शहर समय के साथ भर भी जाए, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तब भी ये वाइड रोड्स की सहायता से आर्मी किसी भी प्रोटेस्ट के खिलाफ आसानी से डिफेंड कर सकती है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये 20 लेन हाईवेज सीक्रेट मिलिट्री रनवेज है, जहां एक लेन अलग अलग कॉर्नर्स में टच डाउन करके शहर के वायलेंट प्रोटेस्ट्स के खिलाफ तैयार हो सकता है, जो यांगन के टाइट स्ट्रीट्स में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये थ्योरीज यही नहीं रुकती। शायद ये शहर इतना कंफ्यूजिंग स्टाइल में ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि प्रोटेस्टर्स को नेविगेट करना मुश्किल हो। शायद स्ट्रीट्स इतनी साफ इसलिए रखी जाती है ताकि प्रोटेस्टर्स को बैरिकेड्स बनाना मुश्किल हो जाए। और शायद यांगन और नेपियिडाव के बीच का डेथ हाईवे भी एक डेलिबरेट डिफेंसिव मेजर हो सकता है। ये पूरा शहर असली में एक सिटी नहीं है, बल्कि एक वास्ट मिलिट्री फोर्ट्रेस है। बस ये रिटरेट करना चाहता हूँ कि म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने कभी भी इन सब थ्योरीज को कंफर्म नहीं किया है। शायद ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सच है और उन्होंने सच में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए ये मूव लिया था ताकि यांगन के ओवरक्राउडेड स्ट्रीट्स के ट्रैफिक से बाग सेक। लेकिन एक इतना अजीब शहर का सिंपल एक्सप्लेनेशन होना पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, 2015 में रेजीम ने अग्री किया था एक और डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने के लिए। इस बार भी वो हारे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया एक मुद्दत के लिए। म्यांमार में सिचुएशन थोड़ी सी सॉफ्टन हुई लग रही थी, लेकिन 2021 में मिलिट्री ने एक और कूप लॉन्च किया, कंट्रोल को सीज किया और देश को एक अव्यवस्था की अवधि में झोंक दिया। तब से एक सिविल वॉर चल रही है जिसमें दोनों तरफ के बीच बैटल्स है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट यांगन शहर के आसपास सेंटर्ड है। देश के सबसे पॉपुलेटेड हिस्से में वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही बैटल्स हो रहे हैं। इस बीच कंट्री के सेंटर में नेपियिडाव खाली पड़ा हुआ है और मिलिट्री लीडर्स वहां सेफ और किसी भी रिटेलिएशन से दूर है। कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर एक फोर्ट्रेस, कौन जानता है? आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है ये शहर क्यों बनाया गया। थैंक्स हमारा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।